दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। जानिए तलाक बिना दूसरी शादी करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या सजा होती है, सारी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। चलो अपन शुरू करते हैं इस वीडियो, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों मान लो किसी भी व्यक्ति द्वारा, महिला हो या पुरुष, किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना तलाक दूसरी शादी कर ली जाती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ किन किन सेक्शन में FIR दर्ज हो सकती है या कौन व्यक्ति किसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो से अंत तक बने रहिए। मान लो एक शादी होते हुए या पहली शादी होते हुए किसी भी व्यक्ति ने छुपाकर दूसरी शादी कर लेता है, उसके बाद में जो पहली पत्नी उसको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो पहले वाली जो पत्नी है या वाइफ है वह उस व्यक्ति के खिलाफ 494 IPC में मुकदमा दर्ज करा सकती है। क्योंकि कानून हिंदू मैरिज एक्ट सब में ये लिखा हुआ है कि अगर पहली शादी हुई है या तलाक बिना दूसरी शादी कर लेते हो तो आपके खिलाफ 494 का ऑफेंस बनता है। मान लो 494 का केस आपके ऊपर दर्ज हो जाता है तो आपको उस केस में आपको 7 साल की सजा या 7 साल के लिए अंदर जेल में जाना पड़ सकता है। क्योंकि जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जब तक आपकी पहली पत्नी होते या उसके तलाक होने के 6 माह बाद आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा किया है तो आपके खिलाफ 494 की या 494 IPC में पहली पत्नी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है और आपको 7 साल की सजा हो सकती है या जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी क्या हो सकता है आपके साथ साथ, क्योंकि पहले वाली पत्नी ने तो आपके साथ या आपके खिलाफ 494 का मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन जिसके साथ आपने शादी की है वो भी आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। वो कौन से सेक्शन में दर्ज करा सकती है ये भी आप जान लीजिए। वो 495 IPC में आपके खिलाफ से मुकदमा दर्ज करा सकती है, क्योंकि आपने उस लड़की के साथ आपने छुपा कर शादी की है दूसरी। अगर आप किसी भी लड़की को पहली शादी हुई हुई है पर आप उसे बताते नहीं और दूसरी शादी कर लेते हो तो आप 495 IPC के भी खिलाफ आपके मुकदमा दर्ज हो सकता है। कौन करा सकता है? जिससे आपने शादी की है। क्योंकि आप कभी भी अगर पहली शादी है तो दूसरी शादी नहीं कर सकते, अगर दूसरी शादी करते हो तो पहले आपको उस पहले वाली पत्नी से तलाक करना पड़ेगा। अगर मान लो जिस लड़की से आपने दूसरी शादी की है उनको बिना बताए आपने शादी छुपा कर शादी की है कि मेरी पहली पत्नी नहीं है, मैंने पहले शादी शुदा नहीं हूँ, तो वह लड़की भी आपके खिलाफ 495 IPC में मुकदमा दर्ज करा सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी सारी चीज़ें लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारी चीज़ें कानून के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप बिना तलाक करते हो तो आपको 7 साल की सजा है 494 में, और जिसके साथ आपने शादी की है अब वो लड़की भी आपके खिलाफ 495 में मुकदमा दर्ज करा सकती है, उसमें आपको 10 साल की सजा हो सकती है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।